चुकी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। जो कांग्रेस के 3 एमएलए हैं वो नहीं पहुंचे, 34 में से 3 एमएलए क्योंकि 11 सीटें हैं, 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और ऐसे में सबसे अहम यह है कि डर था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, डर यही था कि इंटैक्ट रहे तमाम एमएलए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है शायद कांग्रेस के सामने। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले यह झटका है, जो 3 एमएलए हैं वो बैठक में नहीं पहुंचे, सिर्फ 34 विधायक ही बैठक में मौजूद है। जो नहीं पहुंचे उनमें जीशान सिद्दीकी, जीतेश, अनंत कपूर, संजय जगपत नहीं पहुंचे हैं। यानी आप समझिए कि आप क्या खुश हो सकता है। हिमानी ये कहे कि कांग्रेस को एक तरह से कहे कि शायद पता लगने वाला है कि आगे तस्वीर क्या हो रही है, पता लगने वाला है कि तस्वीर क्या हो सकती है। लेकिन प्रियंका, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से रिजोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो उससे ठीक पहले शुरू हो जाती है, और हर बार चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो सताने लगता है। बिल्कुल अनूप, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से कांग्रेस को, महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, अगर एक एमएलसी के जीतने की बात करें तो 26 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो वोट हो रही है वो मतदान तो प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो एमएलसी के वो चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि तमाम जो विधायक और जो पार्टी के लोग हैं उनको अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, और यही वजह है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात देखिए कांग्रेस की तरफ से आज सामने आई, आज वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपने 37 विधायकों की बैठक बुलाई थी, इसमें से 34 विधायक ही शामिल हुए, 3 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए। 12 कैंडिडेट है, 11 सीट है, और ऐसे में 9 जो सीटें हैं वो एनडीए सरकार, एनडीए की तरफ से है, और दूसरे जो है एनडीए की तरफ से बाकी उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर 3 जीत हो जाती है, आप समझिए 3 जीत अगर इधर हो जाती है जो महायुति की सरकार है उधर से, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल तौर हो जाए, सच हो जाएगा। गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो 3 विधायकों की बात कही जा रही है उनके बारे में कांग्रेस सफाई तो दे रही है, कह रही है कि वो कहीं ना कहीं व्यस्त है, उनसे बातचीत हुई, लेकिन 35 विधायक हमारे घर पर मौजूद थे जब हमारी बैठक हो रही थी, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई थी जिसकी वजह से वो लोग नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम विधायक हमारे साथ हैं। उल्टा आरोप लगा दिया गया कि सत्तारूढ़ दल के लोगों को डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने विधायकों को अपने कब्जे में रखा, लेकिन मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन देर शाम जब परिणाम सामने आएगा, अगर एक ज्यादा विधायक का चुनाव हो जाता है, क्योंकि विपक्ष के खेमे में देखें तो कांग्रेस छोड़कर किसी के पास वो आंकड़े नहीं है कि वो अपने उम्मीदवारों को जिता सके, ऐसे में अगर एक भी जीत ज्यादा होती है और अगर एनडीए की तरफ से एक जीत कम होती है तो आप समझ लीजिए क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन इंतजार करना होगा परिणाम का। बिल्कुल बिल्कुल अनूप।